नमस्कार दोस्तों, एजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में कल मंगलवार को क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने यस्टरडे आपको जो लेवल दिए थे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, उसने आज क्या किया। फ्रेंड्स, मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बोला था अपसाइड में कि 37,551 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 37,643, दूसरा टारगेट आएगा उसका 37,725 और तीसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 37,894। तो आप यहाँ पे चेक करोगे उसने हाई मारा है 37,940 के करीब, उसने हाई मारा है यानी करीबन हमें तीनों टारगेट उसने अचीव कर लिया आज की तारीख में फ्रेंड्स। और मैंने ये बताया था कि अगर नो ट्रेडिंग जोन में ओपन होता है तो ये टारगेट ओपन होगा, लेकिन आज उसका ओपनिंग हुआ है फ्रेंड्स 37,621 पे उसका ओपनिंग हुआ, यानी इतने में उसने ओपनिंग किया और फिर पहले कैंडल 5 मिनट के कैंडल में नीचे आ गया, बाद में वो फिर से वहाँ से रिकवर किया। ये जो ट्रेंड नहीं जा रहा है उसका उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हर 15 मिनट की चार्ट में आप देखोगे पूरा ग्रीन ही बना फ्रेंड्स ये कैंडल पूरी, और उसने पूरा टारगेट अचीव कर लिया। वैसे ही आप नित्य में चेक करोगे फ्रेंड्स 15 मिनट की चार्ट में, मैंने आपको बोला था कि अगर 70,174 के अंडर ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैंने तीन टारगेट दिए थे आपको 17,295, दूसरा 17,317 और तीसरा 17,377। मैंने आपको टारगेट दिया था अपसाइड में, लेकिन आज उसने कितने पे ओपन किया फ्रेंड्स, आज उसका ओपनिंग हुआ 17,243 पे उसका ओपनिंग हुआ, यानी मैंने जो लेवल दिए थे उससे करीबन 60 से 70 पॉइंट प्लस में ओपन किया। और पहले के अंदर में आप देखोगे 15 मिनट की जो वहाँ से नीचे आ गया और यहाँ से फिर से बाय आया और ये हैमर टाइप का कैंडल बन गया, और यहाँ से आप लगातार देखोगे उसने फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट उसने अचीव कर लिया और उसने आज का हाई मारा है फ्रेंड्स 17,356 के उसका हाई है। और आप चेक करोगे कि डाउन की साइड में उसने कोई मूवमेंट नहीं दिया, तो आप देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक करोगे तो डाउन जो सभी 90 पॉइंट माइनस में है, एसजीएस निफ्टी 398 यानी फ्लैट जैसा चल रहा है फ्रेंड्स, और हमारा निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 70,340 पे क्लोजिंग हुआ है और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग यहाँ पे दिख रहा है 37,903। तो हम देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स। इससे पहले मैं ये पूरा निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, अब फ्रेश लेवल में ड्रॉ करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे कि उसका क्लोजिंग हुआ है 37,867 पे, यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है। तो हम कल के लिए नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स जो हम रेगुलर ड्रॉ करके आए हैं। इससे पहले मैं आपको ये अपडेट दे दूं फ्रेंड्स, अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अपसाइड में फ्रेंड्स अगर 37,944 और डाउन की साइड में हम पकड़ के चलते हैं 37,000 और नीचे ले लेते हैं ये वाला बैंक निफ्टी कल 37,945 से लेके 37,687 के बीच में ओपन होता है, और अगर डाउन की साइड में इसको ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 37,550 और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स डाउन की साइड में 37,400। और अगर फ्रेंड्स अपसाइड में 37,945 या 50 निकालेगा तो अपसाइड में उसका लेवल कौन सा आ रहा है वो हम अभी देखते हैं फ्रेंड्स, पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 38,180 और दूसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 38,490 के करीब उसका दूसरा टारगेट आ सकता है कल बैंक निफ्टी में। और अगर फ्रेंड्स ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो हमें वहाँ पे प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ट्रेड करना है अगर ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तब। ओके, तो इसमें मैं प्राइस लेवल भी लगा ही लेता हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको आसानी हो। ओके, ये हो गया अपसाइड में आ गया 38,500 के करीब, डाउन के साइड में आएगा ये 37,550 और दूसरा लेवल आएगा 37,400 के करीब। अभी देखते हैं फ्रेंड्स वन डे के कैंडल में क्या सिनेरियो बन रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक करोगे वन डे के कैंडल में तो ये पूरा बुलिश कैंडल बना है आज। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो कैंडल रेड कलर का कलर है वो थोड़ा हैमर टाइप का कैंडल है, तो ये अच्छा खासा आज उसने रैली दी अपसाइड में।
और यहाँ पे एक ही एक रजिस्टर मुझे दिख रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन आया 38,000 के करीब। अगर 38,000 के ऊपर निकलता है तो बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी है कल के लिए। और अगर 38 के ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट 38,700 तक जाने की संभावना है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकता है फ्रेंड्स। निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स 17,340 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है 17,340। ओके, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है फ्रेंड्स स्क्रीन पे। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, तो कल के लिए हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा फ्रेंड्स। कौन सा वाला रहेगा? ये वाला 17,360 से लेके 17,280। अगर डाउन की साइड में फ्रेंड्स 17,000 इसी जोन में ओपन होने के बाद 17,280 ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट आ सकता है 17,240। दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में 17,160। और अगर फ्रेंड्स अपसाइड में 17,360 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स, वो भी देख लेते हैं हम अभी। उसका पहला टारगेट आ सकता है, आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पे गैप फिल करना बाकी रहेगा है फ्रेंड्स। तो पहला टारगेट उसका आएगा 17,400। दूसरा टारगेट आ सकता है, यह जो गैप पर है वो फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, जिसका प्राइस है 17,460। अगर उसका भी ब्रेक कर दिया फ्रेंड्स तो अपसाइड में टारगेट आ सकता है 17,500 के करीब जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है निफ्टी। तो आइए देखते हैं, मैं उसका प्राइस लेवल भी लगा लेता हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको आसानी हो जाए। 17,284, 17,357 को निकलेगा 400, दूसरा 464, तीसरा आएगा उसका 500। और डाउन की साइड में 17,284 निकालेगा तो 17,240, और दूसरा टारगेट आएगा 17,163। और अगर फ्रेंड्स निफ्टी ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो हमें प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है फ्रेंड्स। मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।